जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें, तभी तो आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। जी हाँ, जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, तभी हम प्यार बांट सकते हैं और प्यार को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, तो ये होता है कि किस तरीके से इस समय घर का माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से हम टेंशन के अंदर आ जाते हैं और हमारा मन उदास हो जाता है। तो उसको हम उस मन उदास को किस तरीके से हैप्पी कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर एक हैप्पीनेस लेकर के आ सकते हैं। जी हाँ, अगर कोई आपका अपमान करे, आपकी इंसल्ट करे, तो उस पीरियड के अंदर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा रहते हैं। जब हम सामने वाले का अपमान करते हैं, तो हम परमात्मा का अपमान करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सामने वाला हमारा अपमान करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पांच ऐसी बातें, अगर आप पांच बातें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी डेली रूटीन के अंदर आप उसको लेकर के आ जाते हैं, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली अपमान ना करके आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा, आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। हम इंसान जो है ना, और ख़ासकर जो लेडीज़ हैं, वो हमेशा सहन करती रहती हैं कि ठीक है, अगर हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया कोई बात नहीं, बच्चे ने ऐसे बोल दिया या मदर इन लॉ ने ऐसे बोल दिया। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। देखिए, रिस्पेक्ट अपनी आप की करनी है, लव योर सेल्फ। जब हम प्यार अपने आप से करते हैं, तभी हम प्यार दूसरों को दे पाएंगे। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये ऐसे बोलते हैं, मैं हूँ ही इस काबिल। ये जो हम एनर्जियाँ बोलते हैं ना कि मैं नहीं कर सकता, हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपनी रिस्पेक्ट करें। कहते हैं, जब अगर हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे, हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो सामने वाला कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप अपनी इज्जत करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को संवारें। इस पीरियड के अंदर जब लॉकडाउन है, तो क्यों ना आप ड्रेसिंग टेबल के अपनी मिरर के सामने जाकर के अपनी जो जो चीज़ें हैं जिनको आप करना चाहते हैं, अपनी खूबियां देखें उससे मिरर के अंदर, कि आपके अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई तो खूबी होती है ना, तो उस खूबी को आपने एनहेंस करना है, उसको बढ़ाना है, ताकि सामने वाला आपके प्रति एक प्यार बढ़ना शुरू हो जाए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है पर्सनालिटी को अपना पहनावा। आपका पहनावा क्या है? मैं ये नहीं कहती कि आप महंगे कपड़े ही पहने, आप सस्ते कपड़े भी पहन सकते, सस्ते कपड़े हैं तो सस्ते कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े ना पहन करके उनको सही तरीके से प्रेस करके अच्छे तरीके से। देखिए, एक चीज़ बताइए मेरे को कि अगर कोई भिखारी है, आपने अपने रहन सहन, जो आप कपड़े पहनते हैं, उनके ऊपर गौर करें कि कपड़े जो है ना आपके एक सलीके वाले होने चाहिए, आपके कपड़े जो है ना इम्प्रेसिव होने चाहिए। तो जब इम्प्रेसिव होंगे, आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत स्मार्ट सा इंसान आपके सामने आता है और वेल ड्रेस्ड होता है, तो आपकी नज़र उठती है ना, आप उसकी तरफ एक जिसे कहते हैं एक रिस्पेक्ट वाली नज़र से देखते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। तीसरा पॉइंट, बड़े सपने देखिए। जी हाँ, जब हम बड़े सपने देखते हैं, तभी तो हम उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। छोटे सपने देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप छोटे सपने देखेंगे तो आप वहीं तक ही सीमित रहेंगे। तो बड़े सपने देखें, जब हम बड़े सपने देखते हैं, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं और उस मुकाम तक पहुँचने के लिए जी जान की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो आपने बड़े सपने देखने हैं। बच्चे हैं तो कोशिश करें जिस फील्ड के अंदर वो जाना चाहते हैं, तो अपना एक रोल मॉडल बना लें, एक रोल मॉडल को अपने दिमाग में रखें कि मेरे को इस मुकाम तक पहुंचना है। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट है कि ज्ञान को बढ़ाइए। आप अपने जो भी नॉलेज आपके पास में है, हर इंसान की, किसी को अगर खाना बनाने के अंदर माहिर है तो वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, किसी को डिज़ाइनिंग के अंदर है वो डिज़ाइनिंग
बहुत अच्छी करता है। किसी को क्रिएटिविटी का होता है, डिज़ाइनिंग करना होता है घर का, तो डिज़ाइनिंग के अंदर होता है। किसी को लिखने का शौक होता है तो वो लिखने का करता है। तो अपनी क्रिएटिविटी, जो भी आपकी, जो भी जिस फील्ड के अंदर जो आपकी हॉबी है, उससे संबंधित जो है ना, ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करिए। जब हम ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा, आपके ज्ञान का कायल हो जाएगा, आपके ज्ञान को समझ करके, आपकी नॉलेज को समझ करके आपसे बात करने की कोशिश करेगा और आपसे प्यार करना शुरू कर देगा। पांचवा पॉइंट आता है बात करने का सलीका। आपका बात करने का सलीका कैसा है, आप किस तरीके से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या आप बड़े बात कर रहे हैं, तो बीच में आपके टोकने की आदत तो नहीं है, इस आदत को आप चेंज करिए। अपने व्यूज़ को, आप जो कहना चाहते हैं सामने वाले से, अपनी इच्छा या फिर आप अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अगर जब आप पेश करेंगे ना, तो सामने वाला ना खुश हो जाएगा। जिस तरीके से एक प्लेट के अंदर खाना बहुत खूबसूरत होता है तो हमारा मन करता है खाने के लिए, तो उसी तरीके से आप अपनी जो बात करना चाहते हैं, जो बात करने का जो तरीका है, जो आप अपना कहना चाहते हैं, तो उसको बहुत सजावट के साथ में, बहुत अच्छे तरीके से जब आप पेश करेंगे तो सामने वाला आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बातों के साथ में, ताकि आपके जीवन के अंदर बदलाव आए और आप अपने आप से प्यार करना शुरू करें, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, रेखा जैन एस्ट्रोलॉजर। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसके अंदर कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। जय श्री राम।